प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। इस वक्त हम दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर पिछले 20 सालों से कार्य चल रहा है, लंबित पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बसपा राज में ये प्रोजेक्ट पास हुआ था, उसके बाद दो यहां पर सरकारें आ चुकी हैं, सपा का राज रहा, उसके बाद दो बार बीजेपी सरकार रही, लेकिन अभी तक ये कार्य लंबित है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मानव अधिकार संरक्षण समिति द्वारा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो पिछले 20 सालों से लंबित है, यहाँ पर रामपुर मनिहारन की बात करें, जंधेड़ी की बात करें या शामली बाईपास के रेलवे ओवरब्रिज की बात करें, तो वहाँ पर स्लेब नहीं डल पाया, वो कार्य लंबित है, जिसके विरोध में यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हीं से जानते हैं आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ तक प्रश्न है दिल्ली सहारनपुर की रोड का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सड़क बन चुकी है, 4 लेन की सड़क है, परंतु इसको जगह जगह पर रोक है। जैसे कि आप रामपुर मनियारान में जहां हम इस समय मौजूद हैं, इस पर भी रेलवे का जो स्लैब है वो नहीं डला है, और उसके पास की जो रोड है उस रोड में भी बाधा है। अभी थोड़े दिन पहले जब यहां पर पानी बरसात हुई तो लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, जबकि NHAI का स्पष्ट निर्देश है कि अगर आप किसी सड़क को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो स्मूथ रास्ता उसके बराबर में आपको देना पड़ेगा। यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को ये ठेकेदार नहीं निभाते, क्योंकि आम पब्लिक को अपने अधिकारों का पता ही नहीं होता। इसी प्रकार जंधेड़ी में, रामपुर में और शामली में ये तीनों एक बाधा बनी हुई हैं, और सहारनपुर पहुँचने के बाद जो रेलवे फाटक है उसका तो ओवरब्रिज का टेंडर ही नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत दुख का विषय है कि आप एक सड़क को प्रारंभ करके उसको बीच में रोक करके पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। एक अच्छी बात है, लेकिन जहां तक कानून या नियम की बात है, नियमानुसार किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपनी मर्जी से कोई सी सड़क प्रारंभ कर दे और कोई सी सड़क बनानी शुरू कर दे और किसी दूसरी सड़क को रोक दे। पहले आओ पहले पाओ के उसके अंतर्गत अगर यह सड़क आज से 20 वर्ष पहले मायावती जी के शासनकाल में इसका टेंडर हो गया था, बननी प्रारंभ हो गई थी, उसके पश्चात मुलायम सिंह का राज आया, ये सड़क बनती रही, बीच में रुक गई, बीजेपी की सरकार आ गई और सरकार बननी शुरू हो गई, सड़क तीसरी बार टेंडर हुआ, परंतु आज भी ये सड़क उपेक्षित है। आज भी रामपुर का स्लैब नहीं डला, जंधेड़ी का स्लैब नहीं डला और शामली का स्लैब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यह स्लैब डलेगा। सरकार को बार बार चेताने के बाद भी अंदाजन 20 पत्र हम लिख चुके, वार्ता कर चुके, टेलीफोन पर भी वार्ता होती है, हम इस बात को जो चिट्ठी लिखते हैं उसका पीछा भी करते हैं। आज भी जो अभी आपके सामने प्रशांत जी जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, उनसे कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई, उनका आश्वासन यही है कि हम इसमें पूरा, हमें इसका फिक्र है। तो हमने कहा कि फिक्र अगर है आपको तो कैसे परिलक्षित होगा, आप उस काम को शुरू करवाइए, हम मान जाएंगे आपको फिक्र है। आपसे वार्ता चलते भी आज 3 दिन हो गए हैं, आपने पहले 3 दिन कहा, आप 7 दिन कह रहे हैं, आप 3 और 7 को जोड़ लें, उसका 10 कर लें या 37 कर लें, लेकिन हमें सिर्फ ये बता दें कि आप इसको कब शुरू कर करके कब पूरा कर देंगे। उन्होंने अब भी मीटिंग हो रही है, वार्ता की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वासन के बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ आप आगे करेंगे, क्या आपका आज भी उनका ये कहना था कि आज कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमें जो सूचना प्राप्त हुई वो सहारनपुर के SDM और सहारनपुर के लैंड एक्विजिशन ऑफिसर यहाँ पर आए थे, दुकानदारों से वार्ता करके गए, उनसे सहमति भी बनाई, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। अब कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, 15 दिन का इंतज़ार किया जाएगा, पुणे किया जाएगा विरोध दिवस, जंधेड़ी फाटक पर किया जाएगा और रामपुर फाटक पर किया जाएगा, और सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाएगी कि आपको ये कार्य पूरा करना ही करना है और करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम भी अपना सोचेंगे कि हमें अगर NHAI जाना पड़ा तो हम NHAI तक जाएंगे। और यहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है, जिसकी वजह से यहाँ का व्यापार रोज़गार बिल्कुल ही निचले स्तर पर है। पूरे इंडिया से बाहर या बाहर से बाहर मेरठ तक तो आ जाता है, सहारनपुर आते हैं बहुत हिचकिचाता है। तो मेरा बीजेपी का राज है, कहा जाता है विकास हो रहा है, जनता कह रही विकास हो रहा है, सड़कों पर आज इतना जाम मिलता है, इस रोड पर अक्सर जाम लग जाता है, कल ही इतना जाम था, तो इसमें बड़ी असुविधा होती है।
रामपुर जंगहेड़ी और शामली बाईपास के रेलवे ओवरब्रिज पर स्लेब नहीं डल पाए, आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वस्त भी किया गया आप लोगों को, तो क्या कुछ देखिए, जैसा बताया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अभी 15 दिन का इंतजार करेंगे और 15 दिन बाद अगर कुछ नहीं होता दोबारा विरोध प्रदर्शन दोबारा किया जाएगा। NHI से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, वो भी आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर काम दिख नहीं रहा है, यहाँ पर जनता भी बहुत परेशान। बिल्कुल, यही हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति कमी है, पब्लिक की इच्छा शक्ति कमी है। अगर पब्लिक धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध में साथ खड़े होंगे हम सब लोग, NHI को चेताएंगे, सरकार को चेताएंगे, तो निश्चित ही सरकार अपना काम करेगी और हम सरकार को मजबूर करेंगे जल्दी जल्दी सड़क को निर्माण जल्दी कराया जाए। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ पिछले 30 वर्षों से, इसके प्रति हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमारे जो प्रदेश के यहाँ के शहर के इलाके के जो हमारे माननीय जी हैं मंत्री महोदय हैं उन सबके आगे भी सबसे पहुँचाना पड़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आज विरोध दिवस मनाया है। इसके विरोध दिवस के उसमें हमारे NHI से, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हो चुकी है, उन्होंने 10 दिन का समय दिया है, अब तक 10 दिन में अगर ये कार्य नहीं प्रारंभ होता है तो हमें फिर से मजबूर होकर हमें विरोध दिवस आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरा नाम इकबाल प्रधान है, ग्राम शिवदासपुर, यहीं का रहने वाला लोकल। यहाँ जिस टाइम भी फाटक बंद हो ना, यहाँ कम से कम 3-3 घंटे जाम लगा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत पब्लिक बहुत परेशान है, इधर उधर को निकल कर जा, पिछले कई साल से दिक्कत आ रही है, 20 सालों से लगातार आम जन यहाँ परेशान है, सड़कों का भी बुरा हाल है, बहुत बुरा। सड़कें तो अब कुछ सुधार है, लेकिन ये 2-3 जगह इस तरह की हैं जहाँ ज़्यादा परेशानी। सड़कों का काम तो खैर बहुत हो गया इस सरकार, लेकिन जो है ये कई समस्या ऐसी हैं, रामपुर फाटक होगी, जंदेड़ी फाटक होगी और एक दो इधर भी हैं लोकल रास्ते, बड़ी समस्या है। मैं तो कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बारिश में कई एक्सीडेंट भी हुए हैं, बाइक वाले स्लिप हो जाते हैं, जो बराबर में से निकलता है, मान लिया गाड़ी वाला निकल रहा है बराबर में, जो दूसरा निकला उसके कपड़े गंदे हो गए छींटे लग के, लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबकी शिकायत प्रशासन को दी गई है, उसके बावजूद भी अब तक कोई हल नहीं निकल गया है। 10 दिन का यहाँ पर समय दिया गया कि 10 दिन के भीतर ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, अगर पूर्ण नहीं होता तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार आगे भी।